आर्म्स एक्ट में पूरे 3 महीने जेल में बंद रहने के बाद मंजू वर्मा जेल से बाहर निकल आई है। मंजू वर्मा आज सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने सीएम हाउस पहुंची, कुशवाहा वोट बैंक मैनेज करने की तैयारी शुरू। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर महागठबंधन के सहयोगियों को नसीहत दी है और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार को धोखेबाज बताया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चल रहा महामंथन समाप्त हो चुका है और राजद ने 11 सीटें कांग्रेस के हिस्से में डालकर अपने कुनबे में 29 सीटें रख ली है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के निर्वाचन विभाग को सशक्त किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक और आईएएस अधिकारी के सेवा निर्वाचन विभाग को सौंपी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बीजेपी बिहार में एससी एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने से खड़े किए हाथ। बिहार के अधिकांश आरक्षित सीटों को बीजेपी ने अपने सहयोगियों के हवाले किया। बिहार के वैशाली जिले के महनार थाने के बदलोलपुर दियारा में पटना एसटीएफ और अपराधियों में चल रही मुठभेड़ में 3 अपराधियों के मारे जाने की सूचना है। पुलिस ने AK-47 राइफल्स और पिस्तौल बरामद किया है। पूर्वी चंपारण के अरेराज प्रखंड के सरकारी स्कूल के प्राचार्य को बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। प्राचार्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवादा में नक्सलियों पर नकेल कसने की तैयारी, जंगलों में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। भागलपुर जिले में अपने ही छोटे भाई और पत्नी को एक शख्स द्वारा गोली मार दी गई। इस घटना में जहां भाई की मौत हो गई, वहीं पत्नी की गंभीर हालत में इलाजरत है। घटना जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आप बिना कार्ड के भी एटीएम से कैश निकाल सकेंगे। ये सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो ऐप को डाउनलोड कर पा सकते हैं।